दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये शब्द कहे थे मेजर हर्षन ने, जब बहादुर शाह जफर को लाल किले में से गिरफ्तार किया था 1857 की क्रांति के समय। और उस समय बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी, गाजियों क्रांतिकारी, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये शब्द कहे थे बहादुर शाह जफर ने, हर्षन के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया था। वह बहादुर शाह जफर जिसने 1857 की क्रांति में भारत के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। जी हाँ, चाहते तो अंग्रेजों की अधीनता भी स्वीकार कर सकते थे अन्य शासकों की तरह, लेकिन अधीनता के स्थान पर उन्होंने लड़ना स्वीकार किया था। और उसी बहादुर शाह जफर के सामने उसके दो बेटा मुगल मिर्जा, मिर्जा सुल्तान, और उसके एक पोता अबू बकर, क्या उस हर्षन ने सिर काटकर थाली में सजाकर उसके सामने लाए थे? जी हां, वे बहादुर शाह जफर। और जिसके बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर कितने बदनसीब थे, जिसको अपने वतन में दफनाने के लिए दो गज जमीन नसीब ना हो पाई। जी हां, बहादुर शाह जफर। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं बात कर रहा हूं मुगल वंश की। वह मुगल वंश जिसने 1526 ईस्वी में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, और यह मुख्यतः 1707 ईस्वी तक चला था। और इस मुगल साम्राज्य के समय भारत एक सच में एक सोने की चिड़िया था। जो ये सोने की चिड़िया का जो प्रयोग किया जाता है वो मुगल वंश के लिए ही किया जाता है, अगर इतिहास की नजरिए से देखें तो। जी हां, तो उसी मुगल साम्राज्य को एनसीईआरटी की पुस्तकों से हटा दिया गया है। जी, उसी मुगल साम्राज्य को, जिस मुगल साम्राज्य में अकबर भी आते थे, जहांगीर भी आते थे, और शाहजहां भी आते थे, औरंगजेब भी आते थे, बाबर भी और हुमायूं भी। जी हां, जिसके संस्थापक बाबर थे। और इस समय की हम कला एवं स्थापत्य कला की बात करें तो कला एवं स्थापत्य कला इतनी महत्वपूर्ण थी, आज भी जो ताजमहल है वे विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। जी, आज भी जो ताजमहल है वे विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। और इस ताजमहल की अंग्रेजों ने काफी प्लानिंग भी की थी कि इस ताजमहल को यहां से कैसे ले जाया जाए। जी हां, वह ताजमहल जब प्रथम और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इस संस्कृति को बचाने के लिए इसे ढक दिया गया था, जिससे यह दिखाई ना दे। जी हां, इसे ढक दिया गया था। और आज हमारे भारत के इतिहास में उसी मुगल साम्राज्य का जो इतिहास था, जो साम्राज्य जो 1526 में प्रारंभ होता है, उसी को एनसीईआरटी की पुस्तकों से और जो CBSE की जो पुस्तक है उससे इस चैप्टर को पूरे को ही हटा दिया गया है। हो सकता है आपका नजरिया इस पर क्या है, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, और ये मतभेदों की लड़ाइयां होती है, मनभेदों की लड़ाइयां कभी नहीं होती। शिक्षित व्यक्ति हमेशा, उसके मतभेद अलग होते हैं, मनभेद अलग नहीं होते, और सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। जी हां, सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। और हम बात करें इसी मुगल साम्राज्य का, हम लाल किले की बात करें, हम जामा मस्जिद की बात करें, हम ताजमहल की बात करें, हम फतेहपुर सीकरी के दुर्ग की बात करें, आगरा फोर्ट की बात करें, तो ये इसी के समय की देन है। न जाने और भी कला एवं स्थापत्य कला से संबंधित कितनी देन है। जी हां, और हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी हम जब करों की बात करते हैं तो इस समय जो कर थे, जो पहले से भारत में जो कर चले आ रहे थे, जो हमारे यहां के स्थानीय शासक लिया करते थे, तो कर भी उस समय, टैक्स भी उस समय कम थे। और
अगर हम विदेशियों की ही बात करें, यूं तो भारत में विदेशी आर्य भी विदेशी थे, शक आए, हून आए, मंगोल आए, तुर्क आए, अरबी आए, अफगानी आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, न जाने कौन कौन आए हैं इस धरती पर। लेकिन जो इस धरती को, इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि जिसने मान लिया, वो कभी विदेशी नहीं होता। इतिहास तो यही कहता है। यूं तो आज जो अमेरिका के प्रशासन पर जो बैठे हुए हैं वे ब्रिटेन के लोग हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका को ही अपनी मातृभूमि मान लिया तो वो अमेरिका के हो गए। जी हां, इतिहास तो यही कहता है। और अगर हम इतिहास की इस तरीके से हम कड़ियों को निकाल कर देखें तो हमें पता चलता है न जाने कौन कौन यहां पर आए हैं। और यहां के अगर मूल निवासियों की बात की जाए तो यहां के मूल निवासी तो आदिवासी ही थे। जी हां, बाकी तो सब बाहर से ही आए हैं। लेकिन बात यह होती है, जो वतन को जहां पर रहता है उस मिट्टी को अपनी मातृभूमि मान ले तो वो वही का हो जाता है। जी हां, अगर इस तरीके से हम गहराइयों में जाएं तो इतिहास बहुत बहुत लंबा और बड़ा विवादित हो जाता है। लेकिन बात यह होती है, जो यहां की मातृभूमि को अपनी मान लेता है वो यही का हो जाता है। जी हां, केवल बाबर की इच्छा थी कि उसे उसकी पैतृक भूमि काबुल में दफनाया जाए, बाकी सभी मुगलों की कब्रें भारत के अंदर ही स्थित हैं। किसी की कब्रों की बातें कर ले। एक और थे बदनसीब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिसने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया, उसको यहां पर दो गज जमीन नसीब ना हो पाई और उसकी कब्र रंगून में ही है। जी हां, उसकी कब्र रंगून में ही है। और आज उसी चैप्टर को एक इतिहास से हटा दिया गया है एनसीईआरटी की पुस्तकों से। जी हां, और मेरा मानना तो यह है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, ये बात मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि इस तरीके से एक इतिहास के नजरिए से एक मुगल साम्राज्य जिस पर मध्यकाल भारत की जो नींव है मुख्य, वो मुगल साम्राज्य ही है। मुगल साम्राज्य की राजनीतिक, साम्राज्यीय विस्तार, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, कला साहित्य, संगीत, चित्रकला, ये बड़े अद्भुत देन है साहब। जी हां, अद्भुत देन है। वो अकबर को देखिए जो सभी धर्मों के सम्मान किया करते थे। जब अकबर की धाई मां महामंगा की मृत्यु होती है तो राजपूत शासकों की तरह अकबर भी अपने सिर मुंडवाते हैं, अकबर भी अपना सिर मुंडवाते हैं। जी हां, और हम बात करें जो सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास थे, उसके लिए 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दान दी थी, जहां पर आज सुवर्ण मंदिर है। जी हां, ऐसा नहीं था केवल ये एक धर्म से संबंधित, सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। हां, कुछ शासक अपवाद हो जाते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाकी चीजें तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। जो अच्छी चीजें हैं कम से कम उनको तो जोड़ना चाहिए था, जिनसे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्राप्त हो। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें खराब है तो उसको हटा दीजिए, लेकिन बाकी चीजों को जोड़ना चाहिए, कला एवं स्थापत्य कला को जोड़ना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं। तो इस तरीके से एक पूरे चैप्टर को, मुगल साम्राज्य को हटाना, मुझे नहीं लगता कहीं का शोभा देती है। वो लाल किला जहां से भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, जी हां, वो लाल किला जहां से भारत का तिरंगा झंडा लहराया जाता है, वो मुगलों की देन है। हम बात करें फतेहपुर सीकरियों की, बातें करें जो कला एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से, जहां से कितने टूरिज्म का लोगों को लाभ होता है, विदेशी आते हैं यहां पर देखने के लिए। और हम बात करें, हम जामा मस्जिद की बातें करें जो मुगलों की देन है शाहजहां की। तो इस तरीके से एक मुगल साम्राज्य को एनसीईआरटी की पुस्तकों से हटाना, जहां तक मुझे लगता है, सही नहीं है। और बाकी आपके विचार हैं, और अगर आप इस मुगल साम्राज्य को इतिहास की पुस्तकों से हटाने पर आप सहमत हैं तो आप जरूर आप अपना कमेंट लिखिए, और अगर आप असहमत हैं तो फिर भी आप अपना कमेंट लिखिए। जी हां, सबके अपने अपने मत होते हैं। जी हां, मैंने केवल अपना मत रखा है, हो सकता है आप मेरे मत से सहमत ना हो,
जी हाँ, क्योंकि आपको ये अधिकार है। हो सकता है आप मेरे मत से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैंने एक इतिहास की नजरिए से एक अपना मत रखा है जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।